का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। राज्य के एक तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरे राज्य में विकास की गंगा बह रही है, ऐसा वे अपने राज्य की यात्रा के दौरान बोल रहे थे, जिसके चलते इनकी कही बातों को सच मानकर जब हमने इनके विधानसभा क्षेत्र के या यूं कहे इनके निवास स्थान क्षेत्र का ही जब सर्वे किया तो इनकी यात्रा के दौरान कही गई एक एक बात सच न साबित होते हुए बिल्कुल उसके विपरीत देखने को मिला है। राज्य के मुख्यमंत्री विकास की गंगा जो बता रहे थे वह गंगा नागपुर की नाग नदी में बह गई और इनका ही विकास हुआ, जिसके चलते क्या कहते हैं नागपुर कर इनके विकास के बारे में, आइए देखते हैं एक नजर। नमस्कार, हम लोग इस वक्त मौजूद है गोकुलपेट क्षेत्र में। यहाँ के जो विधायक हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके विकास के बारे में यहाँ के लोगों का क्या है कहना, आइए जानते हैं कुछ लोगों से। नमस्ते सर, आपका नाम बताएंगे? प्रदीप नेमारे। अच्छा, आप बता सकते हैं यहाँ के विकास के बारे में? यहाँ के विकास के बारे में तो सब ढीला ही ढीला काम है। ढीला काम है? अच्छा। यहाँ नाला खोद के रखे, 2 महीने के बाद में कल यहाँ का कंप्लीट काम हुआ है। कल कंप्लीट काम हुआ है। कल ही हुआ है। 2 महीने के बाद 2 लोगों के दांत टूट गए, भोबड़े हो गए बेचारे गरीब। क्या कर रही सरकार? सरकार मतलब ध्यान नहीं दे पा रही है, नहीं दे पा रही है। वो गड्ढा खोद के रखे, वहाँ 2 लोग गिर गए। अच्छा, 2 लोग कल गिर गए हैं। गिर गए यार, अच्छा। 2 लोग भोबड़े हो गए। अच्छा, ऐसा है तब? यहाँ का विकास ऐसा है, ऐसा मतलब है। कोई अंतरी मंत्री संतरी कोई नहीं आते इधर। अंतरी मंत्री कोई नहीं आते इधर। अच्छा, मतलब यहाँ का जायजा नहीं लेते हैं, इस क्षेत्र का जायजा नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, कोई नहीं आता, नहीं आता, कोई नहीं आता, मुड़कर नहीं देखता यहाँ। अभी शायद चुनाव है इसलिए। अभी चुनाव है करके अभी केबल का वायर डाले इन लोगों ने, चुनाव के उपलक्ष्य में अपना काम दिखा रहे हैं। हर जगह अभी संत त्योहार है, इधर मार्केट लाइन में गड्ढे खोदना चालू है। अच्छा। जगह जगह गड्ढे खोद के रखे हैं। वो अभी गए टाइम पानी आया तो वहाँ 2 गाड़ी वालों के बप्पर टूट गए, होंडा सिटी के वगैरह। अच्छा। ना वहाँ बैरिकेड लगा के रखे है, ना कोई बोर्ड टंगा के रखे है। जब ये गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं तो इनका काम है कि वहाँ कुछ बैरिकेड लगा के रखे। ये तो लगाना चाहिए उनको, ये गलत है उनका। कोई जाती नहीं देखता ना, और इनके पास फिर कंप्लेंट लिखा, ये कराओ वो कराओ, तो किसको फुर्सत है? इन लोगों ने देखने चाहिए, गवर्नमेंट ने काम जब चालू करी है तो ये सारा काम इनका है देखने का। आप क्या कहते हैं, मतलब आज के जो युवा वर्ग है उनके रोजगार के लिए कोई लाभ? कोई रोजगारी नहीं है, सब मशीना लगा दिए, गरीबों की रोजी छीन रही इन लोगों ने। मशीन से काम जल्दी हो जाता है, ऐसा है ना। बेरोजगारी बढ़ रही है यहाँ। हाँ, बेरोजगारी बड़े पैमाने में बढ़ रही, ज़्यादा बढ़ गई ना, ज़्यादा ही बढ़ फिर। अच्छा। आज एक रिक्शे वाले की बच्ची BSc फर्स्ट ईयर कर रही है, उसके पिताजी ने कैसा उसको एक्टिवा गाड़ी लेके दिए, लाइसेंस लेने जाते तो वहाँ परीक्षा देना पड़ता बोलते। हाँ। फिर आज उनको उनकी कैपेसिटी नहीं, इतना फाइन कहाँ से भरेगा वो रिक्शे वाला? फाइन कुछ ज्यादा ही ले पा रही है सरकार ने, फाइन बहुत ज्यादा। चलो डंकन ड्राइवर का ठीक है जी, पर ये गरीब बच्चों के, रिक्शे वालों के, ऑटो वालों की लड़कियां गाड़ी जो चलाती है जी। अब यहाँ से ट्यूशन बहुत दूर रहती है। हाँ। चले जाती है सुबह बेचारी जी, जी। तो उनके पास लाइसेंस नहीं है। हाँ। तो वो फाइन महीने में 3 बार होगा उनका। हाँ। तो वो क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे, इसके ऊपर कोई ख्याल ही नहीं कर रहे। 10,000 रुपये का फाइन कौन भरेगा? फाइन बहुत ज्यादा बड़े पैमाने में उन्होंने लगा दिया है, इतना नहीं होना, मतलब आम आदमी के लिए इतना नहीं चाहिए, लागू ही नहीं होना चाहिए। है लाइसेंस का जो 1,500 रुपये का फाइन है, और उसमें भी पेरेंट्स लोगों की गलती है कि जो बच्चों को गाड़ी लेके देते हैं वो गाड़ी का पहले लाइसेंस निकालने चाहिए, बाद में बच्चों को गाड़ी देनी चाहिए। पर आज की कंडीशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो होता ही नहीं ना उतने, इसमें ऐसा सब कुछ है। धन्यवाद। आप क्या कहते हैं यहाँ के जो विधायक हैं उनके विकास के बारे में, उनके कामों को लेकर आपका क्या है कहना? कामों के बारे में तो आपको पता ही है, नाले खोद के रखते हैं, बोलने का जो हकीकत है वो बोलने का, और बुझाते नहीं। 2 जंतु गिर गए थे वहाँ पे नाली में, अभी हमने बोले तो उनको, उन्होंने तो फिर बुझाने लग गए। अच्छा। मतलब 2 महीने से काम चालू है पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है, नहीं दिया है। अभी वो बोले उसको तो बुझाए वो कल उसने। अच्छा।
मतलब बहुत रिक्वेस्ट के बाद, बहुत इसके बाद उन्होंने काम कल आके देख, हाँ खोद के रख देते, कर देते नहीं काम। अच्छा। को नाला खोद के रख देते और गिर जाते लोग यहाँ पे। कल वो सिंधी उन्दी एक गिर गया था यहाँ पे। अच्छा। उसको उठाए तो उनको कुछ चोटें वगैरह आई है? हाँ, थोड़ी कमर पे चोट आई उसकी वाली। अच्छा, कमर उमर में? बूढ़ा आदमी था, मतलब थोड़े बुजुर्ग थे वो, थोड़े से वो। तो फिर हमने उनको बोला कि भाई बुझा लो यार, हमारे धंधे पानी में भी असर गिरता है। पहले धंधे पानी तो होते नहीं, तो होते तो बोला तुम लोग खोद के रखते काम क्या धंधा कर पाएंगे, हमारी तो खुद की रोजी रोटी नहीं निकलती, कैसे भी धंधा कर रहे हैं यार। बोले उनको तो बुझा दिए थोड़ा सा, बाकी का है अभी काम, तो अभी देखो अभी कब कर रहे कब नहीं वो। अच्छा, धन्यवाद सर। थैंक जी सर, सुनने में आया था कि आप ये यहाँ पर गिर गए थे। मैं यहाँ पर क्या अपना पैर फिसल गया पाइप की वजह से, मैं गिर पड़ा यहाँ पे और मेरे को लगा थोड़ा पैर में। जी आप कब गिरे थे यहाँ पर? ये मैं परसों के दिन गिरा था, बुधवार को। परसों को आपको कुछ चोटें वगैरह आई है? नहीं, थोड़ा सा मामूली चोट आई यहाँ पे हाथ में। मतलब ये काम कितने दिनों से चल रहा था यहाँ पर? ये काम 15 दिन से चालू है, अभी बंद नहीं किए लोगों ने। अच्छा, 15 दिनों से चालू है यहाँ के? तो लोग कह रहे हैं कि 2 महीने से यहाँ पे काम चालू है। नहीं, मैं तो 15-20 दिन से देख रहा, उसके पहले का बंद नहीं रहा। मतलब पहले से था पर अभी अभी उन्होंने चालू करे। हाँ। तो आप क्या कहेंगे सरकार से, मतलब इन सब कामों को लेकर? मैं क्या बोलूंगा, उनका काम है कि जल्दी जल्दी पब्लिक को तकलीफ होता है, लोग गिरते हैं, मेरे जैसे बुजुर्ग कई लोग गिरते हैं दिन, बुजुर्ग लोगों को परेशानियां होती है, आंखों से कम दिखता ना तो उसे तकलीफ होता है, इसलिए मेरा पैर स्लिप होगा तो गिर गया पड़ा। धन्यवाद। के जो विधायक है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वो ध्यान आपकी तरफ दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे? कहाँ दे पा रहे, यहाँ पानी नहीं आ रहा हमारे घर में, 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है। 15 दिनों से पानी नहीं आ रहा? हम नीचे से भरते हैं। अच्छा। और बहुत तकलीफ है पानी का, तो बहुत तकलीफ है, साफ सफाई कुछ भी नहीं है। साफ सफाई नहीं है? एनएमसी का काम कैसा चल रहा है? एनएमसी का काम यहाँ पे कुछ काम, गटर लाइन के लिए मैंने 10 बार कंप्लेंट किया, अभी आज खुला लोगों ने गटर लाइन के लिए। अच्छा, मतलब लोग आते नहीं है, एनएमसी अपना काम पूरी तरह से अच्छे से नहीं कर पा रही है। कुछ नहीं होता, वो साफ ही नहीं करते लोग जल्दी। स्वच्छता अभियान निकाला गया है लेकिन स्वच्छता के लिए कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम महेश नितनवर है। अच्छा, यहाँ के जो विधायक है मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस, उनका काम, उनका विकास के बारे में आपका क्या है कहना? यहाँ के जो युवा वर्ग है उनके रोजगार के लिए आप क्या कहेंगे? जी बाकी कुछ नहीं, जो युवा वर्ग है उनकी तरफ, इनके तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छा, सरकार ने ध्यान देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी अपने जो महाराष्ट्र के उन्हें थोड़ा उनके तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ी है। मैं तो चलो मैं एक वीडियोग्राफर हूँ लेकिन बाकी के मैं युवा वर्ग को देखता था तो घूमते हुए नजर आते मेरे को, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता उनको देखकर, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो ऐसे मतलब बेरोजगारी से घूमते हैं। जी है ना? हाँ जी। और मतलब ये सड़कों को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब गड्ढा वगैरह ये सब, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? गड्ढे के जो बारे में मैं करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ वहाँ पे तो है, लेकिन बाकी और एरिया में है। हाँ, मतलब जगह जगह, मतलब हर जगह में मतलब गड्ढे के मतलब अपन आसार देख सकते हैं। गड्ढे खड्ढे है लेकिन उसका कुछ निष्कर्ष समाधान नहीं है, उसका कुछ मतलब ध्यान नहीं दे पा रहे, नहीं दे पा रहे। जो कॉन्ट्रेक्टर है वो अपना काम ले लेता, कॉन्ट्रेक्टर काम ले लेते हैं, ले तो लेते हैं लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाते हैं 100%। वो ध्यान नहीं देते, वैसे खड्डे पड़े रहते। बैज नगर के गली में जाओ, शंकर नगर के जाओ, मैं घूमते रहता तो मेरे गाड़ी कैसी, गाड़ी खराब हो गई खड्डे की वजह से। अच्छा, जी। बाकी कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, सुनने में आया था कि यहाँ पे 2-4 लोग भी गिर पड़े थे इन गड्ढों के कारण, इन जो गड्ढो है ना उन लोगों के कारण। अभी वो दिन में गिरे कि रात में गिरे उसमें भी है ना? नहीं, वो तो बात सही है, नहीं वो सही है, पर ऐसे मतलब बुजुर्ग लोग हैं पर उनको भी मतलब थोड़ा चलने में वगैरह है तो उनके बारे में तो सोचना। देखो ये काम उनको तो सरकार को करना है, सरकार को अपना काम तो करना चाहिए, अभी अपन संभाल के चलना चाहिए ना, अपन ने भी संभाल के अपन ने भी चलना चाहिए, खड्डा है तो थोड़ा बाजू से हटके जाना चाहिए ना। अच्छा। ये उनकी तो ये थोड़ी कर, शायद ऐसा भी हो सकता है ना, यहाँ पे लाइटिंग नहीं लगी होंगी, दिख नहीं रहा होगा, वहाँ पे गड्ढा नहीं, वो भी हो सकता है ना सर? हो सकता है शायद, अभी पेड़ के नीचे जो पोल है स्ट्रीट लाइट है तो पहले तो उन्होंने एनएमसी वो पेड़ काटना चाहिए। अच्छा। पर आजकल का संकल्प तो ये है ना कि मतलब झाड़ लगाओ, है कि नहीं, पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, ये तो है, तो हम पेड़ कैसे ही करेंगे सर? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो झाड़ लगाने का तो जो संकल्प है तो सरकार कर रही ना सर? सरकार झाड़ काटने की बात कहाँ से आती है? देखो जितना जो परिसर है जो स्ट्रीट लाइट का जो ढग्गा है जो लाइट,
उतना भी थोड़ा काट दे हल्का सा, उतना उजाला तो गिर जाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके धन्यवाद। देख जैसे कि मोदी सरकार कहती है हमने बेरोजगार के लिए 30 कोटी बीपीएल लोगों के लिए हमने साधन करा के दिए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ एक नज़ारा, इन लोगों को देखकर नहीं लगता कि मतलब उनके लिए कोई साधन व्यवस्था कुछ कराई गई है। इन विकलांग लोगों के लिए, जनता के लिए, नागरिक के लिए मोदी सरकार या फिर अन्य कोई सरकार ने कौन सा रूल और कौन सा कायदा निकाला है? क्या जाऊँगा, मेरा आके तो चले गए, मैं क्या करूँगा। अच्छा, आप लोगों के लिए कोई भी उन्होंने साधन वगैरह नहीं निकाला है? नहीं निकाला। अच्छा, मतलब आप ऐसे इस हालत में हो, इसके जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? माँ बाप खत्म हो गए, जब से मैं स्टेशन पे रहता हूँ, स्टेशन पे खाता हूँ। आप स्टेशन में रहते थे, मतलब मम्मी पापा जब आपका देहांत, उनका देहांत हो गया था तब? हाँ। जी। और फिर? फिर वो स्टेशन पे, अभी वहीं पे रहता हूँ मैं, स्टेशन। आप स्टेशन के इधर ही रहते? कोई मतलब प्रशासन वगैरह ध्यान नहीं दिया आपके? नहीं 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 दे पाया। आपके लिए कोई सुविधा नहीं निकाल पाए? नहीं। आपको इसी हालत में देखकर उनको तरस नहीं आता? नहीं आता। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस बस। कोई उम्मीदें है सरकार से? क्या उम्मीद, कुछ हुआ ही नहीं तो क्या उम्मीद होगा, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और ये जो भैया आपको लेकर चलते है, ये कौन है आप? जी आप बता सकते हैं आपका नाम? मैं भी, मेरा नाम है संजय वानखेड़े। संजय वानखेड़े जी, आप बताइए इस बारे में आपका क्या है कहना? एक्चुअली बात बताने का क्या है जी? ये जो अभी ये जो सरकार आई है जी, तो पहले मैं ड्राइवर था। आप पहले ड्राइवर थे जी? तो ये जीएसटी के कारण मुझे वहाँ से कम कर, जीएसटी के कारण पूरा डगा डाउन करके रख दिया है सरकार ने। 10-10 दिन गाड़ी रुकती थी हमारी। अच्छा। और माल हमारा लोड नहीं होता था। अच्छा, लोड। अच्छा, माल लोड वगैरह का नहीं हो पा रहा था? नहीं हो पा रहा था। तो फिर ऐसा करते करते फिर मैं बोला फिर इसमें कोई ये नहीं है, ये कभी हैदराबाद जाना है, कभी इधर जाना है। फिर मोदी सरकार आई तो कुछ उम्मीदें लगा के बैठे थे हम। अच्छा, आप लोगों ने मोदी सरकार या फिर उनसे उम्मीदें कुछ लगा नहीं कि कुछ अच्छा विकास वगैरह अब देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है? वैसा नहीं हो पा रहा ना, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा जी। तो फिर मतलब आपके पूरे कामकाज पूरे ठप से पड़ गए हैं? पूरे कामकाज ठप से पड़ गए। मैं रवीना, कैमरामैन पीयूष के साथ। देखा आपने जनता की, मुख्यमंत्री ने विकास के बारे में पूरे राज्य को विकास केवल अपने सभा के भाषणों में ही बताया। यह है नागपुर करो के विकास का सच। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद आप देखिए मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और खबरें भी देख सकते हैं। साथ ही लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।